हमने ना एक बार पहले भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर पढ़े, पहले कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़े थे करंट के बेसिस पे, जिसमें से करंट पास हो जाए वो कंडक्टर, जिसमें करंट पास ना हो वो इंसुलेटर है ना। अब हम पढ़ते हैं क्या, रेजिस्टेंस के बेस पे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कहलाएगा कंडक्टर। कंडक्टर्स आर दोज विच हैव लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट पास होगा, और करंट पास हो रहा तो क्या हो गया, कंडक्टर होगा। रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब तीसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसमें एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो इसका आंसर आता है हमारे पास क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर में से ना करंट पास नहीं होता। लेकिन जब बहुत ज्यादा करंट हो, जैसा कि थंडरिंग ऑफ क्लाउड के टाइम पे होता है, तो वो पास हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है एयर में से करंट पास नहीं होता। इसलिए करंट जो एयर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब तुम्हें ना इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन करंट, डिफाइन रेजिस्टेंस, स्ट्रेट ओम्स लॉ, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज, नेम द इंस्ट्रूमेंट यू डिटेक्ट द करंट, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, कोई भी डायग्राम बनाना है सर्किट डायग्राम, ठीक है। Draw a symbol of open key, open switch, close switch, open key and close key, चारों के हमें वो डायग्राम बनाने। और ये क्वेश्चन जिसका नाम लिया जाए उसे ही सेंड करना है।